सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के ग्राम कैथा में इन दिनों संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा है। पांचवा दिवस श्रोताओं को पूतना वध कथा सुनाई गई। ग्राम पंचायत कैथा के सरपंच दीनदयाल साहू के निज निवास में 6 तारीख से कलश यात्रा के साथ शुरू हुई संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज छठवां दिन है। आपको बता दें, रामायण कथा में जहां मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए यह बात सिखाया जाता है, वहीं श्रीमद् भागवत कथा में मनुष्य को मरना कैसे चाहिए यह बात सिखाई जाती है। अर्थात इंसान को जीवन में ऐसे क्या क्या कर्म करना चाहिए जिसे मरने के बाद सदगति की प्राप्ति हो। कहने का मतलब है, मुक्ति प्राप्ति हेतु सुगम रास्ता श्रीमद् भागवत गीता से मिलता है। कथावाचक पंडित क्रांति कमल वैष्णव के मुखारबिन से दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक प्रवाहमान हो रहा है, जबकि प्रातः काल श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ किया जाता है। आसपास गांव से लोग बड़ी संख्या में भागवत कथा श्रवण करने रोज पहुंच रहे हैं। कथा सुनने आने के लिए जो लगा रहे हैं उनके लिए भोजन की समुचित व्यवस्था किया गया है। कहा जाता है, राजा परीक्षित ने व्यास पुत्र सुखदेव मुनि से 7 दिनों तक भागवत कथा सुनी थी और इसी के बाद से भागवत कथा सुनने की परंपरा भारत देश में शुरू हुई। भागवत कथा को सुनने से व्यक्ति को हर तरह का लाभ होता है। भागवत कथा को आयोजित करने वाले और सुनने वाले लोगों के पितरों को शांति और मुक्ति मिलता है। भागवत कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हर तरह की नकारात्मकता दूर हो जाती है। भागवत कथा सुनने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, समृद्धि और भाग्य में वृद्धि होती है।